हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आपने सब नहीं देखा तो जाके के वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपको जिस चीज़ें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों किसी हमारे दोस्त ने किसी सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि सर फ्री हैंड स्केच करवा दीजिए, जो ईडी के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, मैंने कई वीडियोस लेके आया हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके वीडियो एलिमेंट्री प्रैक्टिकल चेक कर लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको और भी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो आज बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम एक स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे, जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस इसके रहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कैसे बनेगा, दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को सिंपल से आपको एक लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा स्क्रू ड्राइवर। आपको दोस्तों अपने किसी जहां आपको बनाना है, आपको उसके लेंथ के हिसाब से जितना भी आपको बनाना है, 0 से 1 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना भी आपको अपने स्केल से खींच लेनी है। दोस्तों जैसे कि मैं ये देखिए, आप 0 से दोस्तों मैं 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, जितना भी आपको खींचना है, तो दोस्तों मैं खींच रहा हूँ इसको 12 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, जो भी मेरी इच्छा है, आपकी जो इच्छा है खींच सकते हैं। तो दोस्तों 0 से ये मैं खींच लेता हूँ 12। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये मैंने 12 सेंटीमीटर एक लाइन खींच दी जो आपको दिख रही होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले टिप जो बनाते हैं, जो इसका सिरा बनाते हैं, तो दोस्तों उसको जितना भी आपको लेना हो, जैसे कि 5 mm लेना हो या 6 लेना हो, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं 6 ले रहा हूँ ताकि 6 पे जो हमारा जो इमेज है वो फिगर है आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो 6 mm आप ले सकते हैं इतना। ठीक है, इतना लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके पैरेलल ही आपको ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो आप ऊपर भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड दोस्तों इसको बनाने का। ठीक है, इतना करने में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको 0 से लेके जो जितना भी आपको पेचकस बनाना है, आप उतने पे डॉट लगा लें। जैसे कि मुझे डेढ़, जैसे 1.5 और 2 के बीच बनाना है, तो मुझे दोस्तों 15, 16, 17, 18, 18 पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है 20 पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 18 पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। और दोस्तों ऊपर ही मैं सेम यही कर रहा हूँ, 18 पे एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है आपको, 18 पॉइंट लगाने के बाद आपको जो है ऊपर भी आपको 3 mm उसको ऊपर करना है, जैसे कि 1, 2, 3, जितना भी आपको है, 3 mm ज़्यादा नहीं, 3 mm यहाँ पे डॉट लगा दें और 3 mm जो है नीचे भी आप से डॉट लगा दें। ठीक है, डॉट क्यों लगाया दोस्तों, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्यों लगाया हमने। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ वाले सिरे को आपको मिटा देना है। सिंपल, आपको क्या करना है इसको ऐसे मिटा देना है। मिटाने के बाद आपको क्या करना है, मिटा दिया दोस्तों हमने, मिटाने के बाद दोस्तों जो आपका ये टिप रह गया, ये वाला यहाँ रह गया आपका, ये इसको दोस्तों आपको यहाँ ऐसे इसके जो समांतर है, जो हमने 3 सेंटीमीटर 3 mm ऊपर लिया था, यहाँ आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, ठीक दोस्तों, आप ऐसे इसको मिला दें। अब नीचे भी दोस्तों आपने 3 लिया था, तो आप नीचे भी इसको ऐसे है मिला दीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ जो ये डॉट है आपका और ये डॉट है, तो ये डॉट ऐसे आपको ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा टेपर में, तो इसको आप इस लाइन से ऐसे मिला दीजिए, और इधर भी आपको क्या करना है इस लाइन से ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो दोस्तों जो है आपका ये टिप जो है आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आपका जो है इधर वाला ये पेचकस का जो आगे का सिरा होता है उसे बोलते हैं टिप या ब्लेड, तो जो ये आपका तैयार होगा। अभी दोस्तों मैं आपको नाम लिख के बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्या करते हैं हम, अब चलते हैं इसके इधर, क्या बनाना है अब हमें, इसका हमें हैंडल बनाना है। हैंडल बनाने में क्या करना है आपको कि जितनी दूरी आपको लेनी है ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं ले रहा हूँ इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर भी ले रहा हूँ मैं 5,
सेंटीमीटर ठीक है। लेने के बाद दोस्तों दोस्तों मैं 2H की पेंसिल से बना रहा हूँ जो फीकी चलती है ठीक है। बाद में हम इसको गाढ़ी कर देंगे ताकि जो हमारी इमेज है बहुत अलग सा दिखाई दे ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ बना दिया ठीक है। यहाँ बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आप इसके भी 3 mm या 4 mm जो भी आपका हिसाब हो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसको 3 mm जो है ऊपर ऐसे उठा रहा हूँ ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 mm उठाया और नीचे भी जो है 3 mm पे उठा दिया ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आपको 5-6 जो भी आपको है दोस्तों हम अब इसको हैंडल बना रहे हैं तो जो भी आपका हो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं 5 mm ले रहा हूँ ठीक है दोस्तों। तो आप भी 5 mm ले सकते हैं ठीक दोस्तों। ऐसा बनने के बाद आपको क्या करना है आपको इनको भी क्या करना है मैच करा देना है ठीक है। मैच कराना दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको डार्क वाली पेंसिल लेनी है जो दोस्तों आपको HB बोलते हैं इसको। HB की पेंसिल लेनी है आपको। HB की पेंसिल लेने के बाद आपको इस वाले खाने को ब्लैक कर देना है ठीक है। ठीक दोस्तों ये मैंने है इसको ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद आपका जो ये फिगर है कुछ अलग सा दिखेगा। ये अलग से अलग ही दिखेगा दोस्तों ये आपका ये ब्लैक होने के बाद पूरा ठीक है। तो ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बाहर निकल गया तो इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों हम ये हमारा इतना होगा कंप्लीट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के जैसे इतना हमने लिया इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से खोल लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों मैं इतना करके थोड़ा और इससे जो है बड़ा इससे बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए ऐसे दोस्तों। और यहाँ आपको क्या करना है इसे इसे आपको इसके साथ ऐसे मिला देना है ठीक है। मिला देना मैच कराना है इसके टिप को और इसके टिप को। तो ये दोस्तों ठीक है। और यहाँ भी आपको इसे मिला देना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो है बीच का आपका ये मिट जाएगा क्योंकि ये हैंडल के अंदर आ गया हमारा ठीक है। आप चाहें तो इसको भी मिटा दें ये हमारा किसी काम का नहीं है ठीक है। तो ये हमने ऐसे मिटा दिया ठीक है दोस्तों। और मैं हैंडल बनाना है तो हैंडल दोस्तों अपनी मर्जी से हम कैसा भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ आपको तो ऐसा बनाएंगे आप तो आपका कुछ अलग ही दिखाई देगा अलग ही लुक आएगी ठीक है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से मतलब इतना और खोलना है आपको और क्या करना है आपको कि इतना खोल लीजिए 1 सेंटीमीटर जो भी है। तो 1 सेंटीमीटर खोल के दोस्तों इस वाली लाइन से आपको थोड़ी सी बड़ी लाइन लगानी है यहाँ पे ठीक है। जितना मैं लगा रहा हूँ आप ऐसे लगाएं ठीक दोस्तों। इतना आप लगा दीजिए। इतना लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको इसको भी ऐसे हल्का से ऐसे मैच करा देना है आपको ठीक है। और नीचे भी आपको क्या करना है इसके साथ ऐसे मैच करा देना है दोस्तों। कोई भी साइज आप ले सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप जितना मैंने लिया है उतना लें। आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं क्योंकि हमें हैंडल बनाना है। हैंडल में कुछ भी बना सकते हैं हम ऐसे भी बना सकते हैं हाथ से घुमा के। तो दोस्तों मेन होता है हमारा इसका टिप ठीक है। जो टिप मैंने बना बता दिया दोस्तों हैंडल बनाना बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अब आपको जितना भी आपको हैंडल लेना है जैसे कि मुझे लेना है दोस्तों 5 सेंटीमीटर का ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद नीचे भी एक 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक दोस्तों। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको इसके साथ मिला देना है अर्ध गोलाकार में। जैसे कि ये आपका अर्ध गोलाकार होता है ठीक है हो गया। ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है ये दोस्तों ज़्यादा बाहर निकल गया थोड़ा सा। तो
यहाँ से आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका लगभग जो है पेचकस तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं। डिज़ाइन देने के लिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा यहाँ से, जैसे हमने लिया था तो यहाँ से यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ से यहाँ खोल लीजिए इतना नीचे से, एक यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन लगा दीजिए ताकि जो है इसके अंदर ही रहे ये, ठीक है। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ यहाँ से इतना, दोस्तों इसको थोड़ा पतला लेना है आपको, और बीच वाले को थोड़ा बड़ा लीजिए, ठीक है। इसलिए इसको फिर से पतला लें, और बीच वाले को फिर से आपको क्या करना है, बड़ा लेना है थोड़ा। और ये आपका ऐसा ऐसा कुछ आप देखेंगे। अब दोस्तों को क्या करना है कि ये जो बड़े आपने लिया था इसको आपको गोलाकार आकृति दे देनी है, ठीक है। ठीक दोस्तों, आपने इसको गोलाकार आकृति दे दी। आप चाहें तो आप इसको ऐसे ऊपर वाले को ऐसे मिटा सकते हैं, इधर वाले को भी, 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 ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो है आपको पेंसिल कर देनी है जो आपने डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। तो मैं इसको पेंसिल से थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाहर मत निकालें आप, बाहर निकालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, अंदर ही अंदर आप करें, ठीक दोस्तों। तो ये आपका जो है एक जो है हमारा हो गया। अब आपको एक दूसरा वाला भी करना है, दूसरे वाला भी करेंगे आप डार्क, ठीक दोस्तों। तो ये आपका जो है तैयार हो चुका है लगभग। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको डार्क करना है। डार्क करेंगे तो आपकी फिनिशिंग जो अच्छी आ जाएगी, और उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, नाम दे देंगे, ठीक है। तो आपको जो है डार्क वाली पेंसिल ले लेनी है। दोस्तों इसका हम नाम देंगे। नाम देने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। नाम देने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका क्या है, इसे बोलते हैं हम टिप, ठीक है। और ये है आपका तीर का निशान, अच्छा बनाए। और ये जो है आपका, इसे बोलते हैं हम ब्लेड, ठीक है। ये आपका ब्लेड हो गया। और दोस्तों ये जो है आपका, इसमें बीच को बोलते हैं हम, बीच वाले को बोलते हैं नीचे आप दें यहाँ पे, जहाँ पे इसका हैंडल है वहाँ पे से बोलते हैं हम सैंक, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपको पता ही होगा क्या हमारा, ये आपका हैंडल,
ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है क्या तैयार हो गया, ये स्क्रू ड्राइवर जो है फ्लैट तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें बनाने के बाद, ए स्क्रू ड्राइवर फ्लैट लिखा जाए दोस्तों, तब भी यही बनाना है आपको। ठीक है, इसको ए स्क्रू ड्राइवर फ्लैट बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको ऐसा डिज़ाइन नहीं करना, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सिंपल सा लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।